हाँ नमस्कार मित्रों, टारगेट भी तालोक यूट्यूब चैनल पर अनिल मिश्रा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा संस्थान टारगेट भी तालोक यूट्यूब चैनल इस समय टीजीटी पीजीटी 2020 की ऑनलाइन क्लास शुरू किया हुआ है और लगभग लगभग प्रारंभिक चरण में जो महत्वपूर्ण विषय थे उन विषयों की क्लासें शुरू हो चुकी हैं और उसी क्रम में संस्कृत शिक्षक के रूप में जो है मैं अनिल मिश्रा संस्कृत विषय वस्तु का अध्ययन कराऊंगा और आज इस संस्कृत विषय वस्तु के रूप में अपने पहले डेमो क्लास में परीक्षा से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पर चर्चा होगी। तो आइए आज हम अपने पहले क्लास की शुरुआत करते हैं मित्रों। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाने चल रहे हैं, तो एक चीज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत सुनहरा अवसर लेकर के आया हुआ है और बहुत बड़ी भर्ती जो है आपके सामने आने जा रही है। 2-4 दिन में जो है आपका विज्ञापन आपके सामने आ रहा है और हर प्रतियोगी को अपने भाग्य का जो है सुनहरा अवसर जरूर खोजना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जो है देखिए संस्कृत शिक्षक कैसे बने, संस्कृत शिक्षक कैसे बने इस विषय वस्तु के अंतर्गत आज हम लोग कुछ चर्चा परिचर्चा करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पद के बारे में आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि संस्कृत जो शिक्षक है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, आपके अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है कि भाई संस्कृत विषय वस्तु का शिक्षक कौन बन सकता है, संस्कृत विषय वस्तु का शिक्षक कौन बन सकता है। तो देखिए यहां पर कहा गया प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कौन, संस्कृत, इसका मतलब है कि संस्कृत विषय वस्तु का शिक्षक वही व्यक्ति बन सकता है जो स्नातक किया हुआ हो, स्नातक विषय में या स्नातक बीए स्तर पर आप संस्कृत विषय को पढ़ा हो। दूसरी बात, आप प्रशिक्षित हो, शिक्षा स्नातक हो, शिक्षा स्नातक का मतलब बीएड किए हुए हो, तो ग्रेजुएशन में आपकी संस्कृत विषय के रूप में रही हो प्लस आप जो है बीएड किए हो तो आप जो है संस्कृत शिक्षक बन सकते हैं। तो ये आपका पद है, इस पद की ये योग्यता है। कोई भी व्यक्ति जो स्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ है, संस्कृत विषय के रूप में अध्ययन है, तो वह आराम से जो है संस्कृत का शिक्षक बन सकता है। तो यहां पर ये चीजें बताना नितांत आवश्यक था क्योंकि बहुत ऐसे प्रतियोगी हैं जो अभी अभी बीए करके आए हुए हैं या उन्होंने बीएड किया हुआ है, अपने मतलब कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जो लगातार इस परीक्षा में लगे हुए हैं, तो भाई उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो हमारे नए प्रवेशी हैं उनको इसके बारे में जान लेना नितांत आवश्यक। तो पद के बारे में आपको जानकारी हो गई। दूसरी चीज, प्रक्रिया के बारे में आज कई दिन से जो है आप देख रहे हैं
संस्थान के माध्यम से बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन संस्था जो है एग्जाम करवाती है, पेपर कितने अंक का होता है। तो इस पर अब विशद चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर सर ने भी काफी कुछ जो है सुझाव आप लोगों को दे दिया गया है। संस्थान इस पर बराबर काम कर रहा है, तो सीधे हम संस्कृत विषय वस्तु पर अब चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी चर्चा का विषय नहीं रह गया। तो आपका विषय और पद हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद मित्रों, संस्कृत शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले हम एक बात पर चर्चा करेंगे, पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आपको यह जानकारी हो चुकी है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाता है, और इसमें यह भी आपको बता दिया गया है कि आपका एग्जाम कैसे होता है, रिटन एग्जाम होता है, 425 अंक की परीक्षा होती है, और उस 425 अंक के माध्यम से उसमें श्रेष्ठ अंक प्राप्त करके आपका चयन किया जाता है। तो ये सब चीजें काफी चर्चा हो चुकी है, अब इस पाठ्यक्रम की चर्चा होनी चाहिए जिसको पढ़ करके आपको परीक्षा देना है और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। तो देखिए मित्रों, एक बात आपके पाठ्यक्रम पर सबसे पहले जो है, देखिए हम टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो यहां सबसे पहले हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी कुछ बातें आगे और होगी। तो आपके इस पाठ्यक्रम में क्या ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे आपको पढ़ना है? तो सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में हम देखिए, आपका जो पहला ग्रंथ है सुकनासोपदेश, सुकनासो देश बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है मित्रों। आप बाण भट्ट जी की चर्चा या बाण भट्ट जी का नाम आप लोगों ने बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ा, क्योंकि आप संस्कृत साहित्य के स्टूडेंट हैं, तो संस्कृत साहित्य का जो भी स्टूडेंट होता है वह कालिदास और बाण भट्ट को बहुत आसानी से जानता है। तो देखिए, सुकनासोपदेश ये आपका पहला ग्रंथ है, यह कादंबरी का यहां मात्र थोड़ा सा अंश आपके सिलेबस में रखा गया है, गद्यांश के रूप में रखा गया है, और यह ग्रंथ जो है आपके सिलेबस में रखा गया है। आप बहुत आसानी से इसका अध्ययन कर सकते हैं, बहुत ही सरस और सरल भाषा में यह लिखा गया है। दूसरा ग्रंथ मित्रों देखिए, एक उपन्यास है शिवराज विजयम, शिवराज विजयम, शिवराज विजयम ये प्रथम निःश्वास बहुत थोड़ा सा अंश, यह संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास है, बड़ा रोचक है मित्रों। इसमें दक्षिण भारत का इतिहास लिखा गया है, यह संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास है, इसको अंबिका दत्त व्यास जी ने रचा है, और आपके सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इसको रखा गया है। तो देखिए, ये आपका दूसरा ग्रंथ है। इसके बाद आपके सिलेबस का एक तीसरा ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम इसका प्रथम सर्ग आपके सिलेबस में रखा गया है। प्रथम सर्ग में भी मात्र 46 श्लोक लिखे गए हैं मित्रों, उस 46 श्लोक
को जो है आपके सिलेबस में रखा गया है। भारत जी की ये बड़ी रोचक रचना है, महाभारत पर आधारित है मित्रों, बहुत ही सरल है और आपके सिलेबस का ये तीसरा ग्रंथ है मित्रों। और इसी के साथ साथ अगला ग्रंथ है मित्रों, जो चौथा ग्रंथ है नीति शतकम। नीति शतकम संपूर्ण नाम से ही आप परिचित हैं, नीति शतकम भर्तृहरि जी की ये रचना है, नाम से भी आप परिचित हैं। नीति शतकम की बात है तो मतलब एकदम स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में कुछ नीति परक बातें बताई गई हैं जो समाजोपयोगी हैं, और ये इसमें लगभग 111 श्लोक हैं, ये आपके सिलेबस में जो है निर्धारित किया गया है। अगला आपका जो ग्रंथ है वह है मेघदूतम, पांचवा ग्रंथ आपके सिलेबस में रखा गया है मेघदूतम। मेघदूतम, मेघदूतम संपूर्ण या दो भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कुल इसमें 115 श्लोकों को मित्रों आपको पढ़ना है। कालिदास का बहुत रोचक ग्रंथ है, कालिदास का रोचक ग्रंथ है, इसे खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। प्रसंग आएगा तो इस पर विशद चर्चा होगी मित्रों, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आपके सिलेबस में डिसाइड किया गया है। अब इसी के साथ साथ मित्रों देखिए, अगला जो आपका सिलेबस है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी ज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, चतुर्थ अंक। और इस चतुर्थ अंक में मित्रों मात्र 22 श्लोक, बहुत ही संक्षिप्त, केवल 22 श्लोक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के आपके सिलेबस में रखे गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बहुत कुछ बताना नहीं है मित्रों, यदि कालिदास का नाम आते ही संस्कृत साहित्य के विद्वानों के सामने अभिज्ञान शाकुंतलम वैसे ही जो है प्रतियोगियों के मना मस्तिष्क में नाचने लगता है मित्रों। बहुत ही उपयोगी नाटक है और ये आपके सिलेबस में रखा गया है, इसमें 22 श्लोकों को ही आपको अध्ययन करना है। तीसरा अग्रिम जो ग्रंथ है उत्तर रामचरितम है, उत्तर रामचरितम। देखिए सिलेबस कितना बढ़िया बनाया गया है, कितना बढ़िया सिलेबस बनाया गया है कि यदि कालिदास, महाकवि कालिदास का आपको अध्ययन करना है तो उनका सबसे श्रेष्ठ नाटक आपके अभिज्ञान शाकुंतलम आपके सिलेबस में रखा गया है तो भवभूति का स्थान कालिदास से कम नहीं है। तो उनका भी रोचक नाटक जो है उत्तर रामचरितम भी आपके सिलेबस में रख दिया गया है और इसका मात्र तृतीय अंक, तृतीय अंक। और इस तृतीय अंक में मात्र 48 श्लोक हैं, इन्हीं 48 श्लोकों का आपको अध्ययन करना है। ग्रंथ के रूप में ये आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनको आपको अध्ययन करना है। अब अगला ग्रंथ आपका आता है संस्कृत व्याकरण,
संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, एक चीज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने चल रहा हूं मित्रों। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना क्या है आपको? संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, संख्या संबंधी ज्ञान, संख्या संबंधी ज्ञान, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच परिवर्तन, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। इतनी बातें जो है आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है मित्रों। लेकिन एक चीज आपको बता दें, संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, प्रवेशिका, यह ग्रंथ का नाम है मित्रों। और इसके राइटर हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ये ग्रंथ एकदम डिसाइड कर दिया गया है कि संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निर्धारित किया है, वह यह भी बता दिया है कि आपको इसी राइटर की ग्रंथ पढ़नी। तो मित्रों देखिए, आपका ये सिलेबस था, आपको जो परीक्षा देनी है, परीक्षा में जो आपकी पाठ्य सामग्री है, जिसको पढ़ करके जो है आपको परीक्षा को पास करना है, ये आपका ग्रंथ है। उस ग्रंथ के किस किस भाग को आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, इतना आपका पाठ्यक्रम रहा है। और इसी पाठ्यक्रम को हम लोग अनवरत ढंग से अग्रिम क्लास में जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन मित्रों, इतनी बात जानने से पहले, आपका पाठ्यक्रम क्लियर हो गया, हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीजों की जानकारी के बाद अब हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जिस पर अभी हमने आपसे चर्चा किया कि संस्कृत शिक्षक कैसे बने। संस्कृत शिक्षक कैसे बने, आज मित्रों हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का एक कारण है, कारण यह है कि मित्रों कि शिक्षक बनने से पहले मैं भी एक प्रतियोगी रहा हूं, और प्रतियोगिता की हर नब्ज को बहुत आसानी से जानता हूं कि शिक्षक बनने के लिए एक प्रतियोगी को विषय वस्तु में कहां कहां समस्या आती है। तो थोड़ा सा आपसे मैं इस बिंदु पर जो है
जरूर सुझाव करूंगा, इसलिए कि थोड़ा सा संस्कृत विषय वस्तु है, संस्कृत विषय वस्तु की एक अलग पहचान है, संस्कृत विषय की अपनी एक पहचान है। मित्रों, हर विषय को तो आप पढ़ सकते हैं, आप हिंदी भाषा को पढ़ सकते हैं, आप दुनिया की सारी भाषाओं को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि यहाँ पर पग पग पर आपको सुझाव की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिस भाषा को पढ़ना कठिन है, जहां पर शुद्धता और अशुद्धता का इतना बड़ा ध्यान है, कमियां अपनी देख नहीं मिलती हैं, तो यहां पर ये जो बहुत सारी सुझाव हैं जो शिक्षक बनने में बाधा उत्पन्न होती है, मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है आज वह आपके सामने शेयर करने चल रहा हूं। और यदि यह चीज जो है आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। तो सबसे पहले मित्रों, संस्कृत शिक्षक कैसे बने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले संस्कृत शिक्षक बनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा करने आपके सामने चल रहे हैं कि लक्ष्य। पहली बात, शिक्षक बनने के लिए हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं, लक्ष्य की बात। लक्ष्य का मतलब क्या होता है, आप इसको बहुत आसानी से, आपका परिणाम, आपका परिणाम, आपको फल की प्राप्ति हो, आप परीक्षा उत्तीर्ण करें, तो आपका लक्ष्य निर्धारित हो। लक्ष्य आपका निर्धारित हो, इसका क्या मतलब, टीजीटी या पीजीटी, टीजीटी या पीजीटी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मित्रों, थोड़ा सा यहां गौर करने की बातें हैं। होता क्या है कि संस्कृत शिक्षक बनने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप लक्ष्य अपना निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हम टीजीटी की तैयारी करें कि पीजीटी की तैयारी करें, क्योंकि आप देखते हैं कि टीजीटी का जो सिलेबस है वह पीजीटी से इतर है, टीजीटी का एक भी ग्रंथ पीजीटी में डिसाइड नहीं है। होता क्या है, यदि मान लीजिए कि विज्ञापन आ गया और विज्ञापन में यदि टीजीटी के सीटों की संख्या ज्यादा है, तो शुरुआत क्या करते हैं आप, पढ़ना जो है पीजीटी शुरू करते हैं, और जब पीजीटी की पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो जब परीक्षा जैसे जैसे सन्निकट आने लगती है तो आप पीजीटी को छोड़ करके टीजीटी पर चले आते हैं, और स्थिति यह होती है कि ना तो टीजीटी में स्कोर कर पाते हैं ना तो पीजीटी में स्कोर कर पाते हैं। लेकिन एक बात ऐसी नहीं है मित्रों, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीजीटी पीजीटी दोनों क्वालिफाई करते हैं। तो एक चीज आपको हम बता दें, क्वालिफाई तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम जो है अनुकूल नहीं आ पाता है, तो इसलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले दोनों सिलेबस को आप देख लीजिए कि हम कहां बेहतर ढंग से जो है कार्य कर सकते हैं। यदि हम पीजीटी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करके पीजीटी को पढ़ें, यदि टीजीटी में हम बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं तो हम कम समय में टीजीटी की तैयारी करें, और आपका परिणाम निश्चित है आपके अनुकूल आएगा यदि आपका लक्ष्य क्लियर होगा। तो दूसरी बात मित्रों, पाठ्यक्रम की बात करेंगे। अब आप, ये महत्वपूर्ण सुझाव है,
पाठ्यक्रम को बार बार देखना चाहिए, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसी तरह से अपने पाठ्यक्रम को बार बार देखना चाहिए। आप उससे होता क्या है कि आपका स्तर बराबर बना रहता है, पता लगता है पढ़ाई आपने शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते इतने गहराई में चले जाते हैं कि कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, पूरे ग्रंथ को दिमाग में भर लेते हैं। और होता क्या है कि हर ग्रंथ है, हर ग्रंथ के विषय वस्तु एकदम निर्धारित कर दिए गए हैं, किस ग्रंथ से कैसे प्रश्न आने हैं, हर ग्रंथों को पढ़ने की प्रकृति अलग अलग है, कहीं से सूक्तियां पूछी जा रही हैं, कहीं से पारिभाषिक टिप्पणियां पूछी जा रही हैं, कहीं से पात्रों का परिचय पूछा जा रहा है। तो जिस तरह से सुझाव आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पढ़ाई करें। इसीलिए मैं आपको बार बार इस बात का सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने पाठ्यक्रम को बार बार देखें। अगले सुझाव के रूप में मैं आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने चल रहा हूं मित्रों, संस्कृत शिक्षक के रूप में मूल ग्रंथ। मूल ग्रंथों की चर्चा करते हैं मित्रों। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो शुद्धता, विशुद्ध रूप से शुद्ध परिस्कृतियों परिमार्जित भाषा है, जो अपनी शुद्धता के लिए जानी जाती है। मित्रों तो एक चीज आप जान लीजिए, हम सभी प्रतियोगियों से जो है यह मेरा कर्तव्य निवेदन है, सुझाव नहीं है, कि यदि आपको संस्कृत शिक्षक बनना है तो आप मूल ग्रंथों का अध्ययन करें, मूल ग्रंथों को ही नोट समझे, जब भी पलटे तो मूल ग्रंथ को पढ़े, सहायक सामग्री का प्रयोग कम से कम करें। उससे आपको देखिए, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, अभी आप देखिए भारत जी का जो है एक महत्वपूर्ण है भारवे अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम। आप पहली हेडिंग यही लिखी गई है, एकदम रटा हुआ है। किसी भी प्रतियोगी से यदि आप पूछिए कि भैया भारवे अर्थ गौरवम, तो एकदम आपको अक्षरशः बताएगा। और आप यदि उसको जो है कह दीजिए कि भैया चलिए थोड़ा सा इसको लेखन कार्य के रूप में ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, तो 80% लोग जो है इसको अशुद्ध लिखते हैं। कारण क्या है कि संस्कृत भाषा पढ़ने के साथ साथ इसमें दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कि यह भाषा जो चीज हम पढ़ रहे हैं वह लिखा कैसे गया है। तो लेखन के साथ साथ दृष्टि का जो है बार बार प्रयोग यहां पर होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सदैव मूल ग्रंथ का ही अध्ययन करें। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी मित्रों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे संसाधन हैं, इतने पर्याप्त मात्रा में जो है मार्केट में बिकाऊ संसाधन आ गए हैं कि आप जो है मूल ग्रंथ को छोड़ देते हैं और पता लगता है कि ऐसे ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं कि जो मूल ग्रंथ को न पढ़ने के कारण, बार बार न पलटने के कारण सामान्य प्रश्नों को आप गलत करके चले आते हैं और परिणाम आपके हाथ में नहीं आता है। तो आप मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। अगला सुझाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नोट्स। यदि आपको बहुत अच्छा लगता हो कि हम नोट्स के माध्यम से पढ़ें, हम तो सुझाव देना चाहेंगे कि नोट्स आपकी किताब ही आपका नोट्स हो,
विशेष रूप से संस्कृत के प्रतियोगियों के लिए, विशेष रूप से संस्कृत के प्रतियोगियों के लिए नोट्स के सुझाव के रूप में मैं यही सुझाव दूंगा कि किताब उनकी मूल ग्रंथ ही नोट्स हो। दूसरी बात, यदि आप नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो नोट्स स्वयं का होना चाहिए। संस्कृत की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नोट्स सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भी बनाए, जो भी आपके समझ में आए, आपका लेखन हो, आप उसको पढ़ें, आप उसको बनाएं, बार बार देखें, बार बार उसमें परिवर्तन करें, तो कमियां आपसे कम से कम होगी। और फिर अग्रे क्रम पर जो है, हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने चल रहे हैं मित्रों, मार्गदर्शक। अच्छे मार्गदर्शक, आपको संस्कृत शिक्षक बनना है मित्रों, तो एक अच्छे मार्गदर्शक के संपर्क में रहें। क्योंकि यदि आप अच्छे मार्गदर्शक के संपर्क में हैं, तो बराबर आपकी जो कमियां हैं वह दृष्टिगोचर होती है, वह आपकी कमियों को दृष्टिगोचर करता रहता है। कहां आप में अशुद्धियां हो रही हैं, कहां आपको विषय वस्तु से बाहर आप जा रहे हैं, क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़ने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी एक अच्छे मार्गदर्शक के माध्यम से ही मिलती है। इसलिए हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि जो है, आप सदैव अच्छे मार्गदर्शक के संपर्क में रहे। मित्रों, एक छोटा सा यहां पर उदाहरण आपको देना चाहता हूं, और थोड़ा सा विषय वस्तु से हट करके इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप संस्कृत शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो संस्कृत शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होती है कि कुछ मोटिवेशनल टाइप की बातें भी होनी चाहिए। तो देखिए, आज इस पहले क्लास में एक अच्छे मार्गदर्शक की बात हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है चर्चा जो है, कुछ प्रसंग ऐसे हैं। आपने देखा, हमारे यहां महाभारत लिखा गया है, हमारे यहां रामायण लिखा गया है, तो इन्हें आर्थ काव्य के रूप में जानते हैं। आप संस्कृत साहित्य के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उपजीव्य काव्य जिसे कहा जाता है, महाभारत और रामायण का प्रसंग लेकर के बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया है मित्रों। तो थोड़ा सा महाभारत की बात है, तो कुछ ज्ञान की बातें भी यहां पर जो है बताना नितांत आवश्यक है। आप लोग गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुने, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य का नाम आपने सुना है कि हमारे इस महाकाव्य में गुरु की कितनी महानता रही है, वह कैसा कुशल शिक्षक होता है, इसके बारे में कोई बात किसी से छिपी नहीं। इनके दो शिष्यों की भी बात की गई है, जिनका एक का नाम है अर्जुन और दूसरे का नाम है एकलव्य। इन दोनों शिष्यों से भी आप परिचित हैं मित्रों, दोनों दुनिया के बहुत बड़े धनुर्धर हैं, दोनों के पास ज्ञान का अपार भंडार है, और पहले शिष्य के रूप में आपने अर्जुन को देखा, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। दूसरे शिष्य के रूप में आपने एकलव्य को देखा, जिसकी ख्याति और प्रसिद्धि के बारे में आपको जानना नहीं है, दक्षिणा के रूप में उसकी प्रसिद्धि के बारे में आपने देखा ही है। तो एक यहां पर थोड़ा सा प्रसंग ऐसा है कि शिष्य की प्रशंसा की जब भी बात आती थी,
तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की प्रशंसा किया करते थे। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन अर्जुन को अहंकार हो गया कि गुरुदेव, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर मैं, और प्रशंसा आप एकलव्य की करते हैं, यह बात हमारे समझ में आती होती नहीं है, आखिर बात क्या है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने इस बात का बहुत बढ़िया जवाब दिया, अर्जुन क्या कहा गुरु द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन तुम्हारे पास सिखाया हुआ ज्ञान है, एकलव्य। जब एकलव्य की चर्चा उन्होंने किया कि एकलव्य के पास जो ज्ञान है वह सीखा हुआ ज्ञान है, दोनों के ज्ञान में ये अंतर है। एकलव्य के पास सीखा हुआ ज्ञान है, अर्जुन के पास सिखाया हुआ ज्ञान है। इन दोनों ज्ञानों की विशिष्टता क्या है, कौन श्रेष्ठ है? कह रहे हैं कि सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वह सिखाए हुए ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, इसीलिए अर्जुन इस बात को सुन लो कि मैं एकलव्य की प्रशंसा इसीलिए करता हूं क्योंकि उसके पास सीखा हुआ ज्ञान है। तो यहां पर प्रतियोगिता की बात है, इसलिए जो है थोड़ी सी प्रतियोगिता आपको करनी है, और प्रतियोगिता में दो तरह के ज्ञानों की आवश्यकता होती है। एक तो फैक्ट ज्ञान, और यह ज्ञान आप शिक्षक के माध्यम से सीखते हैं, और दूसरी चीज प्रयोगात्मक ज्ञान है, अनुभवजन्य ज्ञान जो है, उस अनुभवजन्य ज्ञान को जो है आपको स्वयं प्राप्त करना है। अनुभवजन्य ज्ञान स्वयं को आपको प्राप्त करना है, तो इसलिए शिक्षक बनने के लिए आपको अर्जुन की भी भूमिका निभानी होगी और एकलव्य की भी भूमिका निभानी होगी, तब जाकर के आप संस्कृत का शिक्षक बन सकते हैं। अगले बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों, वह है पूर्व में आए हुए प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों संस्कृत शिक्षक बनने के लिए, कि आप पूर्व में आए हुए प्रश्नों का बार बार अवलोकन करें, बार बार पूर्व में आए हुए प्रश्नों को देखें, उससे बार बार आपको यह ज्ञान होता है कि हमारी प्रतियोगिता में दिन प्रतिदिन कैसे परिवर्तन हो रहा है, प्रश्नों की प्रकृति कैसे बदल रही है, हमारे पढ़ाई के तरीके में अंतर कहां होना चाहिए। तो बार बार इन प्रश्नों को देखने से आपकी तैयारी जो है बहुत आसानी से एक सटीक दिशा में आप अपने पढ़ाई को करके अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते। तो देखिए, ये मेरे सुझाव हैं, मैंने जो प्रतियोगिता में सीखा है वह बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि एक शिक्षक को कैसे, शिक्षक के पद को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो इन सभी चीजों को यदि आप ध्यान देते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं मित्रों, थोड़ी सी बात पठन पाठन पर भी होनी चाहिए। पठन पाठन पर सबसे ज्यादा समस्या मित्रों यही है। देखिए पठन पाठन का मतलब जो है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। देखिए एकेडमिक, अभी तक आपके पास जो ज्ञान है, आपने जो पढ़ा है, वह आपका एकेडमिक कैरियर था, वह आपकी योग्यता की पढ़ाई थी कि आपने कितने बढ़िया अंकों के साथ अपने कैरियर को मेंटेन किया है, आप अपने कितने कठिन परिश्रम से अपने योग्यता को आपने अर्जित किया है, आपने स्नातक किया है, स्नातक में अच्छे अंकों को प्राप्त किया है, विषय वस्तु का आपको अच्छा ज्ञान है, आप वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन अब आपको प्रतियोगिता देनी है, आपको अब प्रतिस्पर्धा करना है मित्रों, और इस प्रतिस्पर्धा में संख्या सीमित नहीं है। अब तक आपने जो करियर की तैयारी की थी वहां आपकी संख्या सीमित थी मित्रों, अब आपको बड़े स्तर पर प्रतियोगिता की तैयारी करनी है और जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है उसकी सीमा क्या है, उसकी संख्या क्या है, बहुत सीमित है, 10 20 50 100 भी हो सकता है। तो प्रतिस्पर्धा कैसे करनी है, अब यहां पर जो है आपके ज्ञान के स्तर को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, अब परीक्षा ज्ञानोपयोगी नहीं होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई जो होनी चाहिए वह ज्ञानोपयोगी नहीं होनी चाहिए कि हमें ज्ञान पूरा विषय वस्तु को जो है कंठस्थ कर डालना है। अब आपकी तैयारी जो है प्रतियोगिता के आवश्यकता के अनुसार करनी है कि हमारे परीक्षा के लिए कौन सी चीज उपयोगी है, कौन सी चीज उपयोगी नहीं है, आपको अध्ययन इस स्तर पर करना है मित्रों। यहां एक थोड़ा सा सुझाव है, आपके पढ़ाई पठन पाठन की बात हुई तो हम एक बार बहुत सामान्य रूप से कहते हैं कि पढ़ाई जो होनी चाहिए दाना भूसा की तरह नहीं होनी चाहिए। सामान्य रूप से हम लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, इन दोनों चीजों को आप बहुत आसानी से समझ, दाना भूसा का मतलब सब एक में ही कलेक्ट कर देना, ऐसा मतलब पढ़ाई आप करिए कि सब उसी में समाहित रहे, तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है, कोई उपयोगिता नहीं है। पढ़ाई आपकी एकदम क्लियर कट होनी चाहिए जो आपके लिए उपयोगी हो। हम कह रहे हैं एक श्लोक पढ़ना है, यदि उस श्लोक से एक प्रश्न बनना है तो उस एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह नहीं छूटना चाहिए, बकिया सारे ग्रंथ को पढ़ डालिए, जो प्रश्न आना है जब उस पर ध्यान नहीं जाएगा तो आपके पढ़ाई का क्या मतलब होना चाहिए। तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको इस चीज की जानकारी हो जानी चाहिए कि जिस चीज का हम अध्ययन करने चल रहे हैं वह हमारे इस परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाई दाना भूसा की तरह नहीं होनी चाहिए, दाना को अलग कर लीजिए, भूसा को अलग कर लीजिए, रास्ता आपका एकदम शॉर्ट हो जाएगा, लक्ष्य आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा मित्रों। तो आज की क्लास में, अपने पहले डेमो क्लास में, केवल सुझाव, पाठ्यक्रम, परीक्षा की तैयारी कैसे आपको करनी है, मैं इसी बात को आपको अवलोकित किया और आगामी अग्रिम क्लास में मैं विषय वस्तु के रूप में आपके सामने आऊंगा। और मित्रों यदि यह क्लास मुझे आपको पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।